दोस्तों क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ये मिश्र धातु क्या होता है। बहुत ही बढ़िया से आसान, देखो जैसे मिक्स, मिश्र, मिश्र का मतलब होता है मिक्स, नाम से ही क्लियर है, मिश्र मतलब मिक्स्ड। जैसे हम लोग खीर बनाते हैं, खीर में क्या करते हैं, चावल, दूध, चीनी, किशमिश, छहोरा और तमाम चीजें, काजू, सबको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे आप लोग मिक्स वेजिटेबल बनाते होंगे, मिक्स वेजिटेबल खाते होंगे, तो हर वेजिटेबल क्या होती है, मिक्स है। तो बच्चों नाम ही है मिश्र धातु, सिंपल है, दो या दो से अधिक, ध्यान दो, दो या दो से अधिक धातु मिल करके जब किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही कहते हैं मिश्र धातु। वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी होगा और दो से, एग्जाम्पल बता देंगे, टेंशन मत लो, तुम इसको ऐसे बोलते हो, हाँ जोड़ी नहीं, दो या दो से दोनों धातु होगा, हो सकता है कि एक धातु एक अधातु हो, जरूरी नहीं कि सब के सब क्या हो, धातु ही हो, एक धातु और एक अधातु भी होगा। धन्यवाद। तो लिखना इसको, दो या दो से अधिक धातु मिलकर जब एक नया पदार्थ निर्माण करते हैं तो मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु की प्रक्रिया में जरूरी नहीं कि ये दो धातु ही हो, इसमें एक धातु एक अधातु भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले पीतल, जैसे एग्जांपल ले बताओ, तो पीतल है बच्चों, यह एक क्या है, मिश्र धातु। पीतल क्या है, एक मिश्र। अच्छा आप सबको बताओ, पीतल का बना होता है Cu+Zn, ना खड़े होते, Cu क्या होता है, कॉपर, Zn क्या होता है, यस बैठ जाओ। जो पीतल होता है बच्चों वह कॉपर और जिंक से मिलकर बनाता है, कॉपर को ताम्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ताम्र, उसी में पढ़ाए हुए थे, ताम्र या तांबा या कॉपर, तीन नाम है, ताम्र बोलो, तांबा बोलो, Zn का मतलब होता है जिंक, जस्ता, क्या कहते हैं, जस्ता भी कहते हैं। तो कॉपर और जिंक मिल करके आपको पीतल बनता है, पीतल क्या है, एक यस पीतल एक मिश्र धातु है, मिक्स बन के बना है, ठीक है। तो पीतल क्या है बच्चों, एक मिश्र। अच्छा बच्चों मिश्र धातु को मिश्रातु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्रातु। तो कई बार अगर तुम्हें मिश्रातु पूछ दे, कंफ्यूज, मुझे मिश्र धातु पढ़े थे, एग्जाम में लिखने नहीं आता, मिश्रातु लिख दिया, तो कई बार मिश्रातु भी पूछता है, मिश्रातु, ऐसे मिश्रातु भी बोलता है, क्या बोला, मिश्र धातु को ही क्या कहते हैं, मिश्रातु। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु या मिश्रातु। सुनिए, तो इसको लिख देंगे तो हिंदी में, कॉपर, कॉपर प्लस जिंक, मतलब जिंक, कॉपर को ही क्या कहते हैं, कॉपर या ताम्र, ताम्र या तांबा, जिंक या, एग्जाम में बोलेगा हाँ इसके पास सच में नॉलेज है। अच्छा ये तो एक एग्जाम्पल होगा, क्या कोई है मुझे दूसरा एग्जाम्पल बता पाएगा, यस यू आर राइट, सीसा प्लस टीन मिलके बनता है सोल्डर, बिल्कुल सही कहा, सोल्डर, इसको याद कर लीजिए बच्चों, बढ़िया से याद कर लो बाबू, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसा प्लस टीन मिलके बनता है क्या, सोल्डर, जब सीसा में टीन मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा सोल्डर, ठीक। सोल्डर क्या है सर, अरे धातु है, पीबी प्लस पीबी का मतलब, एसएन मतलब, क्या कोई मुझे और कोई एग्जांपल बता सकता है, बोलो,
यस यू आर राइट, तांबा और तीमी के कांसा, यस सही कहा, बहुत बढ़िया बच्चा। कांसा जो होता है तांबा या ताम्र जिसे कहते हैं, ताम्र प्लस प्लस डू नॉट टॉक इन माई क्लास, बहुत सीरियस क्लास चला, ध्यान दो। कांसा जो है तांबा या ताम्र जिसे कहते हैं, और तीन को मिला दोगे ना, सवाल पूछा सब पर जो भी लिखा है ना, तीनों सवाल पूछा एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तीनों सवाल एग्जाम आया है। कांसा, तांबा या ताम्र कॉपर भी कहते हैं, और तीन को मिला दोगे, ध्यान रखना, इनमें इस वाले में और इस वाले में लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो आपको बढ़िया से टिका के याद करना है। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, कांसा जो है तांबा और हम तो ऐसे याद करते हैं। यहाँ पर नौ है ना, क्या है यहाँ पर नौ, और यहाँ भी क्या है अंकुर, मतलब नौ होता है। इन सबका एग्जाम्पल लिखो, लिखो बस, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ये क्या है, मिश्र धातु। तो आई होप दोस्तों मिश्र धातु या मिश्रातु क्या होता है आप समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।